हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोहा बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने पोहा लिया है 2 कप, और उसके लिए मैंने 2 प्याज काटे हैं, ऐसे लंबे लंबे प्याज काटे हैं। उसके लिए अदरक लिया है, एक एक गाजर ली है छोटी छोटी कटी हुई, और एक शिमला मिर्च ली है, थोड़ी हरी मिर्च, नींबू, टमाटर कटा हुआ, मूंगफली के दाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जो पोहा है इसको धो लेंगे छलनी में डालकर। इसको अच्छी तरह से पानी डालकर धो लेंगे। हम 15 मिनट के लिए सोख होने के लिए रखते हैं, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। मैंने एक छोटी कड़छी तेल की ली है, 2 बड़े चम्मच। इसको गर्म होने देते हैं। मैंने जीरा और राई ली है, जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा और राई डालेंगे। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा और राई डालेंगे। अब ये चटकने लगा है, ये इसमें मैं 7-8 करी पत्ते डालूंगी। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मूंगफली के दाने इसमें डालकर रोस्ट कर देती हूँ। इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, चलाते रहना है कहीं ये जल ना जाए। अब ये रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखो लंबा लंबा प्याज काटा है मैंने, पतला पतला। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसको भूनेंगे। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन सा हो गया है, इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी। इसको भूनेंगे। अब इसमें मैं डालती हूँ गाजर छोटी छोटी कटी हुई और शिमला मिर्च। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो जो आपको पसंद है। अब हम सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब मैं सब्जियों में थोड़ा सा नमक डालती हूँ सब्जियों को कुक करने के लिए। बाद में पोहे में बाद में हम नमक डालेंगे, जो पोहा डालेंगे। ये मैंने 5 मिनट के लिए सब्जियों को कुक कर लिया है। ये गाजर और शिमला मिर्च हमारी कुक हो गई है। अब मैं इसमें पोहा डालूंगी। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। लो मीडियम आंच पर इसको 1.5 मिनट के लिए चलाऊंगी। अब ये मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डालूंगी, आप स्वाद अनुसार डालिए। इसको हिला देते हैं। अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए रख देंगे। ये हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है, 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालती हूँ। ये मैंने 1/2 नींबू का रस लिया है।
आपको खट्टा ज़्यादा खाना है तो आप एक नींबू ले सकते हो। तो अब ये हमारा पोहा बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा रंग बिरंगा पोहा बना है। ये मैंने पीली गाजर थी मेरे पास, तो मैंने पीली गाजर का इस्तेमाल किया, शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।